हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर चैनल। तो ये वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि तीन मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग। अगर आप अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको एक्चुअली ये जो तीन मिस्टेक मैं ये वीडियो में दिखा रहा हूँ वो इन एनी केस आपको अवॉइड करनी है। तो चलिए अभी मेन टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो मिस्टेक है जो रिटायरमेंट प्लानिंग में लोग करते हैं वो ये है कि इन्वेस्टिंग इन फिक्स यील्ड इन्वेस्टमेंट्स फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लोग जो होते हैं वो एक्चुअली सेफ्टी के नाम पे एक्चुअली बैंक डिप फिक्स डिपॉजिट PPF या तो जो डेट म्यूचुअल फंड उसको उसके ये सब टाइप के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं इसके अंदर एक्चुअली ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये सोच के कि ये इन्वेस्टमेंट एक्चुअली सेफ है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि फॉर लॉन्ग टाइम होराइजोन जो बैंक फिक्स डिपॉजिट या डेट म्यूचुअल फंड या जो फिक्स यील्ड वाले जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो एक्चुअल में डेंजरस है, क्योंकि जो ये फिक्स यील्ड वाले इन्वेस्टमेंट है उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो इक्विटी म्यूचुअल फंड या तो जो इक्विटी जो होती है वो एक्चुअली लॉन्ग रन में अच्छा रिटर्न दे सकती है। आपको जो CAGR बोलते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट वो ये सब इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा मिलता है, तो वेल्थ जो बिल्डिंग है वो आपका बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। तो हमारे एग्जांपल में कैसा है कि सपोज मिस्टर ए और मिस्टर बी है, दोनों का एज 25 इयर्स है और दोनों ही 25 इयर्स की एज पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। तो जो मिस्टर ए है वो 10,000 पर मंथ बैंक की रिकरेंट फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि ही वॉन्ट्स टू प्ले इट सेफ बेसिकली। और जबकि मिस्टर बी है वो 10,000 पर मंथ का SIP करते हैं अच्छे से 2 या 3 इक्विटी फंड्स में, टोटल मिला के 10,000 का SIP करते हैं। और जो इक्विटी फंड होते हैं वो इक्विटी एक्चुअली लोग बोलते हैं कि रिस्की है, तो ये बात सही है कि इक्विटी रिस्की है लेकिन शॉर्ट टाइम होराइजोन में, मतलब लेस देन 5 ईयर्स के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है और अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इक्विटी इज़ वेरी रिस्की और वॉलेटाइल होती है और इसमें आप अपना बहुत सारा कैपिटल है वो लूज कर सकते हैं, तो ये बात सही है। लेकिन जैसे जैसे इक्विटी में टाइम होराइजोन बढ़ता है इक्विटी सेफ होती जाती है और वॉलेटाइलिटी कम होती जाती है और ओवरऑल आपको लॉन्ग रन में इंडियन इक्विटी मार्केट में 12-15% से भी ज़्यादा CAGR मिलता है कई केसेस में, लेकिन हम यहाँ कंजर्वेटिव साइड पे एस्टिमेट करते हैं तो हम 15% लेंगे हमारे एग्जांपल में, ठीक है। तो देखते हैं कि अभी ये दोनों ही 65 इयर्स पर जब रिटायर होते हैं, मतलब 40 इयर्स तक ये लोग कंसिस्टेंटली 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं, मिस्टर ए इन बैंक फिक्स डिपॉजिट एंड मिस्टर बी इन SIP थ्रू इक्विटी फंड। तो अभी देखते हैं कि ऑन रिटायरमेंट जब ये दोनों मिलते हैं तो मिस्टर ए और मिस्टर बी के पास कितनी वेल्थ होती है। तो मिस्टर बी ने एक्चुअली टोटल जो 40 इयर्स के अंदर 48 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है और उसका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो 3.5 करोड़ रुपीस उनका रिटायरमेंट कॉर्पस हो जाता है, जबकि मिस्टर बी है उसका जो रिटायरमेंट कॉर्पस होता है वो 31.4 करोड़ रुपीस हो जाता है, वो सेम अमाउंट 48 लाख रुपीस इन्वेस्ट करने के बावजूद भी। इसका रीज़न है, तो आप देख सकते हैं कि कितना सिग्निफिकेंट डिफरेंस है वेल्थ में। यहाँ पे वेल्थ गेन जो है मिस्टर ए का सिर्फ 3 करोड़ रुपीस होता है जबकि मिस्टर बी का जो वेल्थ गेन है वो 30 करोड़ से भी ज़्यादा होता है। तो ये एक्चुअली वेल्थ गेन में 10 टाइम्स ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है ओनली बिकॉज कि मिस्टर बी ने एक्चुअली मिस्टर बी के पास फाइनेंशियल IQ ज़्यादा था, तो ही न्यू सिंस इज अर्ली एज कि इक्विटी में जो इन्वेस्ट करने से लॉन्ग रन में वॉलेटिलिटी कम हो जाती है एंड कंसिस्टेंट हायर रिटर्न मिलते हैं, जबकि मिस्टर ए ये समझ नहीं पाए कि जो फिक्स यील्ड इंस्ट्रूमेंट है वो एक्चुअली लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होते हैं। तो ये सबसे पहला जो मिस्टेक है, अगर आप भी ये मिस्टेक अभी कर रहे हैं, अगर आपके रिटायरमेंट को मोर देन 5 इयर्स बाकी है तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक्चुअली इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए राधर देन इन्वेस्टिंग इन डेट फंड और बैंक फिक्स डिपॉजिट। जो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस है जो आपको 65 ईयर की एज के बाद ही टच करना है वो तो आपको एक्चुअली स्ट्रिक्टली इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। ये मैंने आपको विथ कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर से आपको मैंने दिखाया। तो अभी दूसरा जो मिस्टेक लोग कॉमनली करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए वो है स्टार्टिंग लेट।
कई सारे मेरे फ्रेंड या कलीग हैं जिनको अभी जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में बात करते हैं तो 30s में होने के बावजूद भी कई मेरे फ्रेंड्स जो होते हैं वो बोलते हैं कि अभी रिटायरमेंट की तो अरे अभी तो बहुत देर है रिटायरमेंट की, अभी से कहाँ प्लानिंग शुरू करना है, अभी तो 50 साल के हो गए तब प्लानिंग शुरू करेंगे। तो मैं आपको दिखा दूं कि एक्चुअली अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग लेट स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम होता है। तो अभी हमारे ऊपर के एग्जाम्पल में ऐसा आप देख लीजिए कि सपोज मिस्टर एंड मिस्टर बी है, दोनों ही इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो मिस्टर ए है वो एट द एज ऑफ 25 ईयर्स SIP स्टार्ट करते हैं, जबकि मिस्टर बी है वो सिर्फ 5 ईयर्स लेट SIP स्टार्ट करते हैं एट द एज ऑफ 30 ईयर्स, क्योंकि ही थिंक्स कि अभी तो रिटायरमेंट में बहुत देर है तो अभी इस कहाँ पे ऐसे स्टार्ट करूँ, अभी तो एक्चुअली मैं एंजॉय करना चाहता हूँ अपनी लाइफ। तो मिस्टर बी है सिर्फ 5 ईयर्स लेट SIP चालू करते हैं। तो दोनों ही अभी जब 65 ईयर्स की एज पर मिलेंगे तो देखते हैं कि दोनों की वेल्थ में कितना फर्क होता है। दोनों ने ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों ने सेम ही इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट किया है ओवर द ईयर्स। तो आप देख सकते हैं कि जब ये दोनों एट द एज ऑफ 65 मिलेंगे तो मिस्टर ए के पास तो जो 48 लाख रुपीज 40 ईयर्स तक इन्वेस्ट किए हैं तो 31.4 करोड़ का कॉर्पस हो जाएगा, जबकि मिस्टर बी है उसने सिर्फ 5 ईयर्स लेट स्टार्ट किया है, लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजोन है वो 30 ईयर्स से 65 ईयर की एज तक का है, जो कि सिर्फ 35 ईयर्स, वो भी बहुत बड़ा टाइम होराइजोन है, बट सिर्फ 5 ईयर्स के डिफरेंस में आप देख लीजिए कि वेल्थ में कितना फर्क पड़ जाता है। मिस्टर बी है जिनका वेल्थ बिल्डिंग सिर्फ है 14.9 करोड़ रुपीज, जो कि अच्छा अमाउंट है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा अमाउंट नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि डबल से ज्यादा फर्क पड़ गया। सिर्फ मिस्टर ए ने दूसरा कुछ एडिशनल नहीं किया, सिर्फ 5 ईयर्स अर्ली स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट का, और आप देख सकते हैं कि इसका इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है वो 31.4 करोड़ हो गया, जबकि मिस्टर बी का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 14.9 करोड़ रह गया। तो ये लेसन ये सीखना है कि यू आर नेवर अ लेट, एक्चुअली यू आर नेवर टू अर्ली टू स्टार्ट द इन्वेस्टमेंट। आइडियली तो आपको एज अर्ली एज पॉसिबल, जैसे ही आपका अर्निंग करियर स्टार्ट हो, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए अपने रिटायरमेंट के लिए। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं अभी तो मेरी एज 35 ईयर है, अभी तो मेरी एज 50 ईयर है, अभी तो मेरी एज 40 ईयर है, मैं तो 50 ईयर के बाद रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सोचूंगा। तो ये गलत है, एक्चुअली ये एक सबसे बड़ा मिस्टेक है। आइडियली आपको अपने रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट आपके कैरियर के मतलब जो अर्निंग कैरियर जो आपका स्टार्ट होता है तो उसके फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। भले ही आप अपना SIP अमाउंट से कम करते हो, सिर्फ आप 1000 रुपीज पर मंथ सेव करते हो, सिर्फ आप 2000 रुपीज पर मंथ सेव करते हो, तो भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्ट कर दे SIP में इन्वेस्ट करना एज अर्ली एज पॉसिबल। तो अभी एक दूसरे एग्जाम्पल में ये एग्जाम्पल हम कंटिन्यू करते हैं कि सपोज मिस्टर बी है वो एट द एज ऑफ 30 स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि नहीं मैं अभी ए को कॉम्पीट करने के लिए डबल SIP से स्टार्ट करता हूँ, मतलब वो 20,000 पर मंथ के SIP से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि वो एक्चुअली 35 ईयर्स के बाद वो 84 लाख रुपीज खुद के इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बावजूद भी अगर 65 की एज पर आप देखें तो मिस्टर बी का जो कॉर्पस है वो 29.7 करोड़ रुपीज होता है, जबकि मिस्टर ए का जो कॉर्पस है वो 31.4 करोड़। तो भी आप देख सकते हैं कि मिस्टर ए है वो स्टिल आगे रहते हैं, इवन दो मिस्टर बी 5 साल लेट चालू करते हैं और डबल अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, मिस्टर ए से भी डबल अमाउंट, तो उसके बावजूद भी मिस्टर बी है वो वेल्थ बिल्डिंग में मिस्टर ए से पीछे ही रह जाते हैं। तो ये जो है उसका रीजन ऐसा है कि कंपाउंडिंग जो ये मिस्टर ए ने अर्ली स्टार्ट किया है इन्वेस्टमेंट का, तो जो अर्ली के जो इयर्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्चुअली लेटर ऑन बहुत ही अच्छा कंपाउंडिंग करता है और वो आपको कैपिटल गेन बहुत अच्छा देता है, जबकि अगर आप लेट इन्वेस्टमेंट चालू करना करते हो और ऐसा सोच के कि मैं अभी डबल इन्वेस्टमेंट करूंगा तो फिर भी ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है बीट करना जिन लोगों ने अर्ली स्टार्ट किया होता है। तो अगर आपने अर्ली स्टार्ट किया है तो इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना, तो मैं आपको बताऊं कि आपने एक्चुअली ऑलमोस्ट दूसरे इन्वेस्टर्स से बहुत ही आगे निकल चुके हैं जिन लोगों ने अभी तक इन्वेस्टमेंट करना चालू नहीं किया है, क्योंकि लेटर ऑन अभी जब वो लोग लेटर ऑन जब वो लोग आपसे डबल अमाउंट भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे फिर भी उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपको कैचअप करना। तो अभी थर्ड मिस्टेक मैं बोल रहा हूँ जो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए लोग करते हैं, और वो है कि कंबाइनिंग इंश्योरेंस विथ इन्वेस्टमेंट।
तो हमारे मार्केट में एक्चुअली आप देखते हैं तो इंडियन मार्केट में यूलिप्स या तो एंडोमेंट प्लान बहुत ही पॉपुलर है, और लोग हैं ना वो अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ये इस टाइप के जो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं। मैं बताता हूँ कि आपको ये भी एक बहुत बड़ा गलती है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, आपको कभी भी यूलिप्स या एंडोमेंट प्लान में अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आप ऑब्वियसली पूछेंगे तो फिर हम इंश्योरेंस नीड और इन्वेस्टमेंट के नीड के लिए क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बताऊं कि मेरा एक खुद का ही एक डिटेल में वीडियो है जो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको एक्चुअली नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूं, तो वो वीडियो आप देखना ना भूले। वो वीडियो में मैंने पूरे डिटेल में दिखाया है कि व्हाई यू शुड नॉट कंबाइन इंश्योरेंस विथ इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली कैसा होता है कि जब आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट कंबाइन करते हैं तो वो दोनों का ही सब ऑप्टिमल रिटर्न देता है, मतलब इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों ही। तो आपको एक्चुअली आइडियली क्या करना चाहिए कि इंश्योरेंस नीड के लिए एडिक्वेट टर्म इंश्योरेंस प्लान बाय करना चाहिए, और आपके इन्वेस्टमेंट नीड के लिए आपको जो है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए रादर देन इन्वेस्टिंग इन यूलिप्स एंड एंडोमेंट प्लान। तो मेरा ये वीडियो आप देखेंगे तो उसके ये जो दूसरा वीडियो का लिंक मैं नीचे पेस्ट कर रहा हूँ वो अगर आप देखेंगे तो आपको एक्चुअली इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा। और यू कैन नाउ फ्रेंड्स ज्वाइन मी एट पैट्रियॉन, तो ये मेरा पैट्रियॉन पेज है जिसका भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो अगर आप ये पैट्रियॉन को ज्वाइन करके आप पैट्रन बन के ये चैनल को सपोर्ट करेंगे तो जो हमारा मिशन है फाइनेंशियल एजुकेशन को पूरे इंडियंस में पूरे इंडिया में स्प्रेड करना, तो उसमें आप एक्चुअली कंट्रीब्यूट करेंगे, प्लस आपको हमारे बहुत सारे वीडियोज़ का अर्ली एक्सेस मिलेगा। और ये जो पैट्रियॉन अगर आप पैट्रन बनेंगे तो उसके पैट्रन की कम्युनिटी में हम अपने खुद के एक्सक्लूसिव वीडियोज़ जो कि सिर्फ पैट्रन ओनली वीडियोज़ होते हैं ऑन पर्सनल फाइनेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, टैक्स प्लानिंग, चाइल्ड फ्यूचर प्लानिंग, तो ये जो एक्सक्लूसिव वीडियोस है उसका भी एक्चुअली जो पूरा आर्काइव है उसका आपको एक्सेस मिल सकता है, जिससे आपका फाइनेंशियल एजुकेशन है फाइनेंशियल नॉलेज वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो आप प्लीज़ ये पैटर्न बन के आप ये चैनल को सपोर्ट कीजिए, ये मेरा आपको रिक्वेस्ट है, और आप अपने कॉमेंट्स या सजेशन नीचे कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।